दोस्तों आखिर हवाई जहाज सहित आसमान में कहां गायब हो गया पायलट? 42 साल से बना हुआ है रहस्य। दोस्तों कभी कभी दुनिया में ऐसी घटनाएं घट जाती हैं जिनके रहस्य को समझना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन सा लगने लगता है। आज हम आपको ऐसे ही एक रहस्य के बारे में बताने जा रहे हैं दोस्तों, जिसका संबंध एलियंस से जुड़ा माना जाता है। दोस्तों ये घटना आज से 42 साल पहले की है, जिसके बारे में जो भी सुनता है वो हैरान हुए बिना नहीं रह सकता। दोस्तों 21 अक्टूबर 1978 का वो दिन, ऑस्ट्रेलिया के पायलट फ्रेडरिक वेलेंटिक सेसेना 182 विमान से मेलबोर्न से किंग आइलैंड के लिए उड़ान भरते हैं। लेकिन उनकी उड़ान हमेशा के लिए एक घटना बनकर रह जाती है, क्योंकि वो कभी अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचे ही नहीं। रास्ते में ही कहीं वो आसमान से ही विमान सहित गायब हो गए, वो कभी मिले ही नहीं। दोस्तों वेलेंटिक ने शाम 7:06 पर मेलबोर्न हवाई यातायात नियंत्रण केंद्र को रिपोर्ट किया कि एक अज्ञात विमान 4500 फीट यानी 1400 मीटर की ऊंचाई पर उनका पीछा कर रहा है। हालांकि कंट्रोल टावर द्वारा उन्हें बताया गया कि इतनी ऊंचाई पर किसी भी विमान के उड़ने की जानकारी उनके पास नहीं है। इस दौरान कंट्रोल टावर के अधिकारियों ने उनसे इस अज्ञात विमान के बारे में पूछा तो वेलेंटिक ने बताया कि ऐसा विमान उन्होंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा। उसके नीचे हरे रंग की 4 लाइटें लगी हैं जो चमक रही हैं। दोस्तों वेलेंटिक के मुताबिक वो रहस्यमय विमान आकार में लंबा लेकिन बनावट में पतला था, किसी सिगार की तरह। वेलेंटिक का जब दोबारा ट्रैफिक कंट्रोल टावर से संपर्क हुआ तो उन्होंने बताया कि वो अज्ञात विमान उनके ऊपर उड़ रहा है। इसके थोड़ी देर ही बाद वेलेंटिक का संपर्क कंट्रोल टावर से टूट गया और फिर उनसे कभी संपर्क नहीं हो पाया। किसी दुर्घटना की आशंका के चलते तुरंत हवाई बचाव दल को जांच पड़ताल के लिए भेजा गया, लेकिन उनके हाथ कुछ नहीं लगा। दोस्तों ना तो विमान का मलबा मिला ना ही पायलट। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि वेलेंटिक का विमान दुर्घटनाग्रस्त होकर समुद्र में गिर गया होगा और वो जो लाइटों की बात कर रहे थे वो उनके ही विमान की लाइट होगी जो वो समुद्र के पानी में दिख रहे होंगे। हालांकि इस बात के कोई पुख्ता प्रमाण नहीं है। कुछ लोग तो ये भी मानते हैं कि वेलेंटिक के विमान के ऊपर उड़ रहा अज्ञात विमान एक UFO था और उसी ने विमान सहित वेलेंटिक का अपहरण कर लिया होगा। हालांकि ये बात भी कभी सिद्ध नहीं हो पाई, लेकिन जिस तरह से वेलेंटिक अपने विमान सहित गायब हुए हैं वो फिर कभी नहीं मिले, ये आज भी एक रहस्य ही बना हुआ है। तो दोस्तों ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के लिए आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए।